एक बार फिर बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। हम लेसन नंबर 65 मतलब 65 में हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्प्राइट या बैकड्रॉप को गोस्ट इफेक्ट का प्रयोग करके पारदर्शी बना सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। हम पिछले कुछ वीडियो से हम ग्राफिक इफेक्ट्स के बारे में देख रहे हैं। गोस्ट इफेक्ट भी एक तरह का ग्राफिक इफेक्ट है जिससे हम बहुत ही मजेदार चीजें कर सकते हैं। इसको दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि मैंने एक भालू को इस वॉक बोर्ड पे खड़ा किया है। और भालू मैंने इसलिए चुना, वीयर स्प्राइट इसलिए चुनी क्योंकि ये काफी बड़ा है, तो इसमें काफी साफ साफ हमें समझ में आता है हम क्या करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ वेन फ्लैग क्लिक, जैसा कि मैंने कहा एक तरह का ग्राफिक इफेक्ट है। तो मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सेट गोस्ट इफेक्ट टू जीरो, तो इससे मतलब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परंतु मान लीजिए मैं इसको करता हूँ रिपीट 100, मतलब 100 बार आप रिपीट करिए, चेंज गोस्ट इफेक्ट बाई 1, मतलब आप गोस्ट इफेक्ट को जीरो से आप 100 की तरफ ले जाइए। तो चेंज चेंज गोस्ट इफेक्ट बाई 1, राइट। अब ऐसा करने से देखिए बहुत ही मजेदार चीज होती है। जब मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा देखिए कैसे धीरे 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 करके वो भालू ऐसा लगता है कि गायब हो गया। वो दरअसल वो गायब नहीं हुआ है बल्कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब पारदर्शी हो गया। इसलिए हम उसके पीछे जो भी है पूरा दिखने लग गया है। अब मान लीजिए मैं इसी चीज को उल्टा कर दूं, माफ कीजिएगा, मान लीजिए मैं चाहूं कि मैं शुरू करूं 100 से और धीरे धीरे करके उसको 0 की तरफ लाऊं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखिए कैसे वह भालू धीरे 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 करके वापस आता जाता है और हमारे सामने पूरा प्रकट हो जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है गेम्स में, एनिमेशंस में। जब भी आप ये दिखाना चाहें कि कोई भी स्प्राइट एकदम से, मतलब एकदम जल्दी से शो या हाइट से वापस या नहीं दिख रही नहीं है या छुप रही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो अपने दृश्य से ओझल हो रही है, छुप जैसे कि हाइड हो रही है, मतलब धीरे 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 वहां से जा रही है या फिर धीरे 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 सीन में आ रही है। तो अगर जब भी हम वैसा करना चाहते हैं तो हम गोस्ट इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।